काफी सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स में मैंने ये क्वेश्चन देखे, चैट में देखे, कॉल्स पे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स की। मैम बेस्ट फार्मेसी कॉलेज बताइए राजस्थान में, बेस्ट फार्मेसी कॉलेज बताइए बिहार में, बेस्ट फार्मेसी कॉलेज बताइए लखनऊ में, बेस्ट फार्मेसी कॉलेज बताइए एमपी मध्य प्रदेश में। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ बेस्ट फार्मेसी कॉलेज इन बिहार। ठीक है, तो बिहार में कौन कौन से बेस्ट फार्मेसी कॉलेज हैं। और बेटा आज का मेरा ये जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं एनआईआरएफ के थ्रू नहीं बताऊंगी, बिकॉज एनआईआरएफ ने किसी भी बिहार के कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को या यूनिवर्सिटी को रैंक नहीं दिया है। तो ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक बात है, लेकिन काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं फार्मेसी की जो कि बिहार में है और अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं एक प्राइवेट वेबसाइट के थ्रू आपको सारी चीजें बताऊंगी, समझाऊंगी, और मेरे हिसाब से 98% वो जो वेबसाइट है वो सही ही आपको जानकारी देती है। तो जैसे कि आप जानते हैं मेरा हर वीडियो पॉइंट टू पॉइंट होता है, कॉलेजेस आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में या फिर अपने दिमाग में पूरी तरीके से नोट कर लीजिएगा, सीधा चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सो ये देखिए, ये जो एक वेबसाइट है ये क्या है, एक प्राइवेट वेबसाइट है अगर मैं बात करूं। साथ ही साथ देखिए इसके हिसाब से जो ये कॉलेज दुनिया वेबसाइट, कॉलेज दुनिया डॉट कॉम वेबसाइट है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग 2022 के हिसाब से कौन कौन से कॉलेज रैंकिंग में है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो कि पटना में है। ठीक है, और एक चीज उसमें यहाँ पे ये भी आपको बेनिफिट मिल जाता है, ये बेनिफिशियल है आपके लिए कि यहाँ पे आप साथ के साथ कोर्सेज और फीस भी देख सकते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज और फीस अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि सेकेंड नंबर पे इसने दी है। थर्ड है यहाँ पे मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि मुजफ्फरपुर में है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट एएल कलाम यूनिवर्सिटी जो कि बिहार के अंदर ही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अब मैं आपको बता देती हूँ बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी कहाँ पे है, ये पटना में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से एडमिशन हो सकता है। तो हम यहाँ पे जनरली कोर्सेज एंड फीस पे क्लिक कर देते हैं। कोर्सेज एंड फीस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा बेटा। तो देखो बी फार्म के लिए यहाँ पे तीन कोर्सेज करवा रहा है, कौन कौन से, बी फार्म फर्स्ट, सेकंड करवा रहा है बी फार्म लेटरल। उसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड ये जो हमें करवा रहा है डी फार्म करवा रहा है, मतलब बी फार्म और डी फार्म के बाद अगर आप बी फार्म में एंट्री लेते हैं तो उसे बोलते हैं बी लेटरल बी फार्म। उसके बाद यहाँ पे है आपका डी फार्म, तीनों करवा रहा है। तीनों के लिए आप देखिए यहाँ पे 1,00,000 रुपए पर ईयर फीस है, चाहे आप डी फार्म करें, चाहे आप बी फार्म करें, चाहे आप लेटरल एंट्री ले, सबके लिए 1,00,000 रुपए पर ईयर यहाँ पे फीस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, अगर आप बी फार्म में एडमिशन लेने वाले हैं तो 10+12 आप पास आउट होने चाहिए, मतलब 10+2 आप पास आउट होने चाहिए 50% मार्क्स से। साथ ही साथ अगर आप लेटरल एंट्री ले रहे हैं बी फार्म में तो उसके लिए डी फार्म में आपके 45% होने चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी में। बात कर लेते हैं डी फार्म के लिए तो उसमें भी आपके 10+2 में, मतलब 12th स्टैंडर्ड में 50% मिनिमम होने चाहिए मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बाकी चीजें भी हैं, प्लेसमेंट बताएगा कैसा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे गैलरी देख लेते हैं, फोटोज देख लेते हैं इस कॉलेज की कुछ, तो देखिए ये कुछ इस टाइप की यहाँ पे इमेजेस अपलोड है जो कि उसी कॉलेज की ली गई है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का ये कॉलेज हमारा दिखता होगा, बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ओके, सो क्लियर हो रहा है आपको। सो इस तरीके से ये है आपके टॉप कॉलेजेस। ठीक है, और भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से टॉप कॉलेजेस आते हैं फार्मेसी के लिए बिहार में। लेकिन इसके लिए बेटा मैं आपको 100% श्योरिटी नहीं दूंगी, लेकिन हाँ ये भी मैं श्योरली बोल सकती हूँ कि 98% आप इस पर बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट जो है रैंक भी देती है और आपको खुद भी पता है कि ये कॉलेजेस जो हैं बिहार में यही फार्मेसी के लिए जाने जाते हैं। एक देखिए यहाँ पे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि पटना में है, ये भी बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेटा यहाँ पे एक और देखिए, यहाँ पे वैशाली में नाइपर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नाइपर भी है बिहार में। लेकिन रैंक एनआईआरएफ ने क्यों नहीं दी बिहार के किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी को, आई डोंट नो, एंड मुझे नहीं मिला, इसीलिए मैंने आपको ये प्राइवेट वेबसाइट के थ्रू बताया है।
होप्स आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि हमारी जो ऑफलाइन मटेरियल है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये भी मेरे पास लास्ट ही सैंपल बचा हुआ है बेटा। सारे जो है ये ऑर्डर हो गए हैं, ये मैं अभी आपको ये पार्सल के लिए पैक हो गया एक्चुअली, तो इसलिए मैं इसे ओपन आपको नहीं करके दिखाऊंगी अभी। तो इसमें क्या है बेटा, देखो इसमें बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का जो टोटल स्टडी मटेरियल है वो ऑल इन वन है। कहने का मतलब ये है सारे सब्जेक्ट जो आपके फर्स्ट सेम के हैं, मेन सब्जेक्ट सब मैंने इसके अंदर करवा दिए हैं कैप्चर। एक आप ये घर पे मंगवाओ, कहने को ये बुक है बट इसके अंदर सारे के सारे कंप्यूटराइज नोट्स हैं जो कि प्रिपेयर करवाए गए हैं, स्पेशली प्रिपेयर करवाए गए हैं आप लोगों के लिए। साथ ही साथ डिजिटल प्रोडक्ट अगर आप हमारा लेते हैं, मतलब ऑनलाइन कोर्स अगर ज्वाइन करते हैं, तो आपको हैवी डिस्काउंट देखने को मिलेगा अभी के टाइम पे। फटाफट जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट हमारा ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मटेरियल लेता है, उसके लिए 2 महीने हम अपने कोर्स को कर देंगे इंक्रीज कर देंगे। 2 महीने के लिए कोर्स उसको ज्यादा मिलेगा, काफी सारी फैसिलिटीज मिलेगी। और ये पार्सल अकेला नहीं जाएगा, इसके साथ कुछ ना कुछ हम हमारी तरफ से बीएससी फार्मेसी की तरफ से आपको छोटा मोटा गिफ्ट भेजने वाले हैं। तो फटाफट जाके ज्वाइन बुक करो और कोर्स में ज्वाइन करो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट सेक्शन में भी है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमारी टीम आपके सेवा में 24 घंटे के लिए तैयार है और यहाँ पे बैठी हुई है, तो उसे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं 24 आवर्स। लेकिन ये सिर्फ एग्जाम टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि आप कभी भी फोन घुमा देंगे, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।